मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम आप लोग यहां पर कर रहे हैं और ये ऐसा कार्यक्रम हो गया है कि ना केवल आपने अपने समाज को इकट्ठा कर करके ताकत दिखा दी है बल्कि विरोधी लोगों की भी आपने नींद उड़ा दी है। और ये बात मैं जानता हूं कि ये जब कार्यक्रम हो गया है तो विरोधी लोग जो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आज के बाद उन्हें रात में नींद आने वाली नहीं है। बताओ, हर घर का नौजवान बेरोजगार बैठा है कि नहीं बैठा है? हर घर का बेरोजगार है कि नहीं है? और ये सरकार कहती है कि हमने तो सबको नौकरी दे दी। बताओ, नौकरी मिल गई कि नहीं मिल गई? ये सरकार कहती है हमने सबको नौकरी दे दी। वो कहते हैं कि हमने करोड़ों नौकरी दे दी है, करोड़ों नौकरियों का हिसाब किताब। इसलिए समाजवादी लोग नारा दे रहे हैं कि जब घर घर बेरोजगार बैठे हैं तो ये रोजगार मांग रहे हैं। घर घर रोजगार मांग रहा है रोजगार, ये समाजवादी लोगों ने इस नारे को देने का काम किया है। क्योंकि अगर हमारा आबादी में सबसे ज्यादा नौजवान रोजगार बैठ जाएगा तो आने वाले समय में हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य क्या होगा, ये चिंता का विषय है। और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि ये लगातार चीजों को प्राइवेट हाथों में बेचते चले जा रहे हैं। बताओ, आउटसोर्स में कहां से हमें आपको अधिकार मिलेगा? प्राइवेट कंपनियों में कहां हमें आपको अधिकार मिलेगा? ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी वो सब खत्म कर दी, उनको बेच दिया। और अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो बताओ हमारे आने वाली पीढ़ी के नौजवानों को कहां सरकारी नौकरी मिलेगी? ये लोग जो सपना दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं कि हमारे पाल बगैर दंगर समाज के लोग समझ ही ना पाए। बताओ, ये सरकार कहती है कि नहीं कहती 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? बताओ, ये 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्या होती है? कोई हमें बताओ 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी क्या होती है? हमारे ये मुख्यमंत्री 46 में 56 वाले सदन में कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना देंगे। जो सरकार 70% पैसा न खर्च कर पाए तो बताओ कहां से 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना देगी? अभी तक 70% पैसा नहीं खर्च कर पाए ये लोग। जो लोग कहते हैं सड़क में गड्ढे खत्म हो गए, अरे चले जाओ थोड़ा सा दाएं बाएं सड़क से हट करके बताओ सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? ये लोग कह रहे हैं सड़क में गड्ढे खत्म कर दिए। और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार 40,000 करोड़ रुपए, जब से बनी है बीजेपी की सरकार, लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति में। बताओ गड्ढा, ये 40,000 करोड़ कहां चले गए? किसी की जेब में चले गए कि गड्ढा भरने में चले गए?